सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम हसन अलबासर। आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की 3 न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो ऑलरेडी व्हाट्सएप में आ चुके हैं। बहुत पर्सन ने व्हाट्सएप को अपडेट किया है, लेकिन उनके पास न्यू अपडेट नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप में कौन सी न्यू अपडेट आई है और वो अपडेट आपको कैसे मिलेंगी। तो इस वीडियो को आपने कम्प्लीट देखना है। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भी SMS सेंड करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसे पहले आपको डिलीट फॉर एवरीवन करना पड़ता था। अब आपको उसे डिलीट फॉर एवरीवन करने की जरूरत नहीं है। अब आप उस SMS को जब चाहे किसी भी वक्त आप उसे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से किसी एक कॉन्टेक्ट की चैट को कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पर मैं कोई भी SMS यहाँ पर राइट करके ये मैंने सेंड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SMS भी सेंड हो चुका है, ये ओपन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये SMS है, यहाँ पर मेरे रिसीव हुआ है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको इसे एडिट करके दिखा देता हूँ। आपने इस पर दबाए रखना है, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आपने एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो भी आप राइट करना चाहे वो यहाँ पर इस तरीके से आपने राइट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एडिट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडिट हो चुका है। अपने दूसरे व्हाट्सएप पर ले चलता हूँ, यहाँ पर भी एडिट हो चुका है। नंबर टू फ्रेंड्स, आप किसी की भी चैट को अब लॉक लगा सकते हैं, और जैसे आप उसकी चैट को लॉक लगाएंगे, साथ में ही वो चैट भी हाइड हो जाएगी। जिस भी कॉन्टेक्ट की चैट को लॉक लगाना है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। दोबारा के नेम पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और ऊपर की तरफ करना है, और यहाँ पर आपको चैट लॉक ऑप्शन मिलेगा। आपने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा रहा है कीप दिस चैट लॉक्ड एंड हिडन, की चैट भी लॉक हो जाएगी और वो हाइड भी हो जाएगी। ये ऑप्शन ऑफ होगा तो आपने इसे ऑन कर देना है। ऐसे ही ऑन करेंगे, यहाँ पर आपने पासवर्ड इंटर कर देना है। ऐसे पासवर्ड इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चैट हमारी लॉक हो चुकी है, तो आपने व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट हमारी लॉक हो चुकी है। बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं चैट हाइड हो चुकी है। आपने नीचे की तरफ स्वीप करना है, यहाँ पर लिखा रहा है चैट लॉक्ड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले आपने यहाँ पर पासकोड लगाना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी चैट यहाँ पर आ जाएगी, जो आपने लॉक लगाया हुआ है। चैट को दोबारा से अनलॉक करने के लिए आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है, दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऊपर की तरफ करना है, चैट लॉक पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इसे ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑफ करेंगे, यहाँ पर आपने दोबारा से वही पासकोड लगा देना है जो आपने लगाया था, अनलॉक हो जाएगी। नंबर थ्री, अब फ्रेंड्स, आप किसी को भी अपनी पर्सनल कोई भी फोटो सेंड करते हैं, तो अगला बंदा ना ही उस फोटो को सेव कर पाएगा, ना ही उसका स्क्रीनशॉट ले पाएगा। तो इसके लिए आपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, और यहाँ से कोई भी अपनी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपके पास आई का ऑप्शन होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेंड करेंगे तो 1 का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप पर ले चलता हूँ। फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दूसरे व्हाट्सएप आ चुकी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुकी है, और यहाँ पर सिर्फ 1 का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि ये फोटो को आप सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं और ये प्राइवेट है, तो आपने इसे ओके पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से फोटो को सेव करने के लिए अगर आप 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, डिलीट का आ रहा है और रिपोर्ट करने का आ रहा है। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेता हूं, तो यहाँ पर लिखा रहा है कांट टेक स्क्रीनशॉट ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट भी नहीं दे रहा है। अगर मैं बैक आता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा हमारे पास ये ओपन ही नहीं हो रही है, सिर्फ एक बार ही ओपन होगी। तो व्हाट्सएप में ये न्यू अपडेट आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपडेट आपको कहाँ से मिलेगी। व्हाट्सएप बीटा वर्जन में ये आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो जो व्हाट्सएप मैसेंजर का यूज़ करते हैं, उनको ये अपडेट अभी तक नहीं मिली है। तो जो पर्सन चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर को बीटा वर्जन में कन्वर्ट करना, तो इससे पहले वीडियो मैंने बना रखी है। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखकर आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर को बीटा वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आपको अपडेट भी मिल जाएंगी व्हाट्सएप बीटा वर्जन में डाउनलोड करते ही। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।